नमस्कार साथियों। साथियों, कहा जाता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम उन सारे संसाधनों का सही तरीके से उपभोग कर सकते हैं। और साथियों, अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जानते हैं, इस चैलेंज में अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। मैं आपको समय समय से जागरूक करते रहता हूं, सचेत करते रहता हूं कि आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। शरीर को स्वस्थ रखना ये आपका बहुत बड़ा टास्क है और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इतना आसान नहीं है साथियों। हम पैसे कमा सकते हैं, हम बहुत भौतिक संसाधनों को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने शरीर को संरक्षित नहीं किया तो समझ लीजिए कि वास्तविक रूप से अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। साथियों, आप लोगों को जब मैं जागरूक करता हूं और जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है तो मुझे भी बहुत आनंद मिलता है। साथियों, मैं आज आपके लिए ऐसा मशहूर और ऐसी उपयोगी टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपको जरूर जानना चाहिए। साथियों, आज के परिवेश में अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी की समस्या एक आम होती जा रही है। एक सर्वे की रिपोर्ट में कि शुगर से ज्यादा मरीज किडनी के देखे जा रहे हैं। पता नहीं किडनी की समस्या इतनी ज्यादा लोगों को क्यों हो रही है, लेकिन साथियों उसके पीछे जब आप रहस्य में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान, रहन सहन और हमारी मानसिक तनाव भी इसका बहुत बड़ा कारण है। साथियों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के समय में अगर हम अपने किडनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं इस भयंकर गर्मी के मौसम में। साथियों, ये वीडियो जिस पेशेंट की किडनी खराब हो गई है वो कृपया ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसे पेशेंट के लिए है जिनकी किडनी स्वस्थ है, वो अपने किडनी को आगे भविष्य में कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ये उनके लिए है। जिनकी किडनी खराब है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उनको और तमाम आप लोगों को बना करके बताता भी हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आगे भी बताऊंगा। लेकिन ये जो जानकारी है, हमारे ऐसे भाई जो स्वस्थ हैं, जिनकी किडनी में कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में उनकी किडनी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, ये उनके लिए है। साथियों, अगर सबसे पहले मंत्र की बात करें तो आपको तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना, खूब पानी पीजिए। इस समय सीजन में आने वाले जो फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, बेल है, आम का पन्ना है, ये सब आप खूब लीजिए, खूब पानी पीजिए। मैं बार बार बताता हूं कि 4 से 5 लीटर पानी एक स्वस्थ व्यक्ति को पीना ही चाहिए और इस गर्मी में आप थोड़ा और पी लें तो और अच्छी बात है। दूसरा साथियों, नमक। साथियों, नमक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बिना मतलब के आवश्यकता से अधिक नमक लेते हैं तो सीधा सीधा उसका संबंध हमारे किडनी पर रहता है। कोशिश करिए कि गर्मी के दिनों में आप नमक का प्रयोग कम से कम करिए, हल्का नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करिए और बाकी अगर नमक कर भी रहे हैं तो आप थोड़ा नमक कम ही लीजिए, आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी। तीसरा, एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, अभी एसी में हैं और अचानक हम अपना ऑनसेट चेंज कर देते हैं। तुरंत जा करके अगर हम धूप में निकल गए अचानक तो उसका भी कहीं ना कहीं असर हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे किडनी पर पड़ता है और हमारे शरीर पर पड़ता है। तो सोचिए कि अगर आप सडन ऑनसेट चेंज करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको असर पड़ेगा और आपकी समस्या बढ़ सकती है। आप
सन स्ट्रोक से भी बचिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि बहुत आवश्यक ना हो तो आप धूप में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को न रखिए, थोड़ा बहुत सुबह का धूप ले लीजिए। लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत लोग बिना काम के और धूप में अपने आप को फालतू घूमते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यक ना हो तो अपने आप को ज्यादा धूप से बचाइए। इस समय गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, और आज की जो युवा पीढ़ी है, और हम ऐसे ड्रिंक का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जो है जो कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई ड्रिंक है, जैसे सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, हम अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो साथियों वो कहीं ना कहीं हमारी किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। नशा कम से कम करिए। अगर आपको एल्कोहल लेते हैं तो गर्मी के दिनों में आप एल्कोहल का प्रयोग कम से कम करिए, वरना आपकी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। स्मोकिंग हो गया या कोई भी नशा अगर आप करते हैं तो गर्मी के दिन में आप कम से कम करिए, आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा आपको पेशाब पे मॉनिटरिंग रखना। साथियों पेशाब एक ऐसा संकेत होता है ना, यूरिन एक ऐसी हमारी जो है संकेत होती है जो तुरंत हमें आगाह करती है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज, यानी आपके किडनी में अगर कोई संक्रमण होता है तो पेशाब एक बहुत बड़ा संकेत देता है। तो अगर आपके पेशाब में झाग आ रही है, पेशाब में स्मेल आ रही है, पेशाब में मात्रा में आपको अनियमित दिख रही है कि आप कभी ज्यादा पेशाब करते हैं, कभी कम करते हैं, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब की कलर में दिक्कत है, आपको जो पहले पेशाब करते थे उससे आपका पेशाब में अंतर दिख रहा है, तो आपको सजग हो जाना चाहिए, अपने पेशाब की जांच कराइए। पेशाब में कोई संक्रमण है तो उसको यथाशीघ्र चिकित्सक से मिल करके या अपने घरेलू उपाय के द्वारा उसे यथाशीघ्र सही करिए। इसके अलावा नियमित जांच कराइए, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हमारे शरीर से डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हम शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, तो ऐसे में किडनी की जांच बहुत जरूरी होती है। आप कोशिश करिए कि कुछ समय अंतराल के बाद अपने किडनी का जांच करा लिए, किडनी में KFT का जांच कराइए, जिसमें आपके बॉडी में कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, कितना क्लोराइड है, यूरिया का लेवल क्या है, क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, इसकी जांच भी आप करा करके देखिए, तभी आप गर्मी के दिनों में अपने किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा रक्तचाप अगर और शुगर, अगर आप पहले से BP और शुगर के पेशेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि गर्मी के दिनों में इन दोनों पे आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपके किडनी में कभी भी समस्या आ सकती है। अगर आपको नहीं है तो आपको अपने खान पान के द्वारा उसे सही रखना है, प्रॉपर जांच कराते रहिए और देखिए कि हमारा शुगर और ब्लड प्रेशर का लेवल सामान्य है। इसके अलावा अपने आहार में बदलाव रखिए। साथियों गर्मी के दिनों में खान पान का बहुत बड़ा महत्व है, कोशिश करिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि गर्मी के दिनों में ज्यादा स्पाइसी खाने से बचिए, ज्यादा मैंने अभी बताया कि ड्रिंक्स वगैरह जिसमें कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा जो सोडा वगैरह ज्यादा पड़े हों, एल्कोहल हो, इसका आप सेवन ना करें। इसके अलावा जो इस समय सीजन में मिलने वाले फल हैं उसका भरपूर मात्रा में लीजिए, खूब पानी पीजिए। और इसके अलावा साथियों आपको मानसिक रूप से भी फिट रहना है। कहा जाता है ना कि तनाव एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी समस्या को पैदा करने के लिए, तो आप अगर नियमित रूप से तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में आप उलझे रहते हैं, तो आपका उसका सीधा असर किडनी पर पड़ेगा। और गर्मी के दिनों में तो तनाव से किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए कि ऑलरेडी गर्मी है और उसने और आपने तनाव लेकर के गर्मी पैदा कर दिया शरीर में, तो सीधा सीधा आपकी किडनी पर असर पड़ेगा। अतः तनाव न लें, खूब अच्छे से सोएं, निद्रा बढ़िया से लें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसके अलावा साथियों
आपको अंतिम, आपको नियमित रूप से योग और वॉकिंग, ये बहुत ही आवश्यक है। यानी कि आपको फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है। आप अगर गर्मी के दिनों में अगर अपने शरीर को शिथिल छोड़ देते हैं, आपकी सक्रियता नहीं रहती है, तो ये मान के चलिए कि आपकी सारी समस्या होगी और आपके किडनी पर भी असर पड़ेगा। तो आप नियमित वॉक करिए, योग करिए और अपने किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने किडनी को सुरक्षित रखने के लिए गर्मी में आपको बहुत ही अच्छा मंत्र मिला। साथियों, एक खुशखबरी मैं बताऊं कि हमारे किडनी के भाई, चलते चलते मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि अगर किसी की किडनी खराब हो गई हो तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। किडनी की समस्या के लिए मैं नियमित आप लोगों की सेवा करता हूं और आप लोगों के बीच जुड़ा भी रहता हूं। अगर आपको किडनी में कोई दुर्भाग्य से दिक्कत आ गई है तो आप कल्याणम सेवा के किसी भी शाखा में आकर के अपनी पूरी बात बताइए। व्हाट्सएप मेरा नंबर चल रहा है, आप अपनी समस्या बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को दूर करूं। और साथियों, अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।